बिल्कुल मैंने क्या किया, एक डार्क रंग की थोड़ी सी बेस लगाया, क्योंकि उनका टोन हमने अंडर टोन था, उसको थोड़ा सा ब्राइट करना था। पहले मैंने एक डार्क रंग की फाउंडेशन लगाई, ओरिएंटल कह लें, फिर उसके ऊपर मैंने एक ब्राइट फाउंडेशन लगाई लिक्विड बेस, मैकी NC15। और वो जब डार्क और लाइट एक शेड क्रिएट होगा तो बहुत नेचुरल ग्लो करेगी स्किन की। फिर मैंने डार्क ब्राउन के साथ कॉन्टोरिंग किया है और हल्का सा मैट फिनिश ब्राउन के साथ सॉकेट लाइन क्रिएट किया और लाइनर लगा के सिर्फ मैंने कॉर्नर ब्लेंड किया है, ठीक है। उसके बाद हम आईब्रो बना रहे हैं। आईब्रो बनाने के लिए मुझे ब्राउन कलर चाहिए, मैंने ये लिया और आप देखेंगे सिर्फ मुझे आईब्रो, मुझे पानी चाहिए, थोड़ा सा पानी, लेंस का पानी दे दो, मुझे भी आंख में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं ही लाइव धो लूंगी लेंस। कभी कभार आपके मेकअप जो है लेंस में चला जाता है और वो इरिटेट कर रहा होता है, मेरे साथ यही कहानी हो रही है। ट्रांसपेरेंट, ओके, उसमें पड़ा नीचे, ओके। अब हम क्या करेंगे, आईब्रो में हमने सीधे नीचे की लाइन क्रिएट की और हल्का सा हमने ऊपर, और उसको हम ब्लेंड करेंगे इस तरीके से, आपको डिफरेंस नजर आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम राउंड ब्रश के साथ उसको हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग जरूरी है ना मेकअप में, ब्लेंडिंग जरूरी है, उसके बगैर फिर वो लुक नहीं आती निकल कर, सॉफ्ट लुक आ जाती है ब्लेंडिंग से। जो शार्प लाइंस है उनको ब्लेंड करना है, फॉर श्योर आपने ब्लेंड करना है ताकि आपके मेकअप में एक सॉफ्टनेस से आ जाए, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, और अगर आपको खुद पता चल जाती है ना ये चीजें, बिल्कुल, तो आप किसी भी सैलून जाएंगे तैयार होने, कुछ भी करने, आप उन मेकअप आर्टिस्ट को गाइडलाइन दे सकते हैं कि प्लीज आप मेरा ब्लेंड कर दें, शार्प लाइंस नहीं दें। बिल्कुल, इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने डल गोल्ड कलर लेना है, ये मेरा फेवरेट गोल्ड है। कौन सा? दिस गोल्ड। ओह, बहुत अच्छा है भाई, बहुत प्यारा गोल्ड है। हाँ, और आपने आँख खोलो, नीचे देखो, नीचे पूरी आँख के ऊपर इस तरीके से आपने लगा देना, लिट पे अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद उसको आपने फिंगर टिप के साथ, कितना प्यारा लग रहा है ये डल। इस गोल्ड में क्या ब्लैकिश कुछ चीज मिक्स है? हाँ, थोड़ा सा है ना इससे। अच्छा, आप मुझे बताओ, ब्राइट गोल्ड में और इस डल गोल्ड में आंखों पे क्या इफेक्ट आता है चेंज, अगर आप डल गोल्ड लगा रहे? अच्छा, अगर डल गोल्ड लगाते तो आपकी आंखें ना बड़ी इंटेंस, जैसे डेप्थ आपको खुद ही क्रिएट मिल जाती है, अदरवाइज जो ब्राइट गोल्ड होता है उसमें आपको डेप्थ क्रिएट करनी पड़ती है। तो ये, और उससे क्या लगता है, जिनकी आंखें, अच्छा ब्राइट गोल्ड किनको लगाना चाहिए, जिनकी आंखें थोड़ी सी अंदर दबी हुई होती है, धसी हुई है, डीप साइड आईज है, तो उनको एनहांस करने के लिए लगाते हैं कि वो फौरन से पॉप आउट कर जाए। ये छोटी छोटी चीजों का समझना एक आम इंसान के लिए भी इसलिए जरूरी है कि भले वो खुद ना मेकअप करता हो लेकिन कोई और करता है तो हम लाइनर को, फिर बारीक सी लाइन लाइनर की लगाएंगे और मुझे हल्का सा मस्कारा मिल जाएगा, मस्कारा लगा। अच्छा, मेक श्योर करें जब भी आप लैश लगाते हैं उससे पहले आप मस्कारा कर लें, ठीक है। मुझे लैश दे दो जल्दी से, लैश गम निकालो, ओके। लैश का क्या करूंगा, मैं आउटर साइड जो बहुत बड़ा है ना उसको नहीं काटूंगा, मैं इनर साइड को काट रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वो बड़ा ग्लैमर देगा दुल्हन को। बिल्कुल, और वो, और मैंने हल्का सा गम लिया। अच्छा, लंबी लैश काटे बगैर लगाने से क्या नुकसान बताओ? अच्छा, आंखें झुकी हुई लगती है, अच्छा उसको भी लगा सकते हैं, उसको बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन उसको लगाने का टेक्निक क्या होता है कि आपको आंख खींच के रखनी है जब तक वो सूखता नहीं है। अच्छा, और कॉर्नर पे से उठा लें तो आपको क्या होता है, पूरी एक आंख का एक पूरी एक शार्प लाइन मिल जाती है, ओके। उसके बाद आपने क्या किया, लैश को हल्का सा एंगल किया लाइक दिस, हल्का सा, यस, ये किया, और आपने मेक श्योर करें कि आपने हल्का सा सूखने देना है, ठीक है। और फिर आंख खोलो और नीचे देखो, इस तरीके से आपने इनर कॉर्नर पे रखा। हाँ। और आपने आउटर कॉर्नर पे रख के आंख खोलो, समझ लो कितनी आप डिफरेंस देख सकते हैं, आपके सामने है दोनों आंखें कि वो डेप्थ लगने, मतलब लाइक वो आई शेडो जो डल गोल्ड है वो लगने के बाद क्या प्यारी लुक आ गई है, मतलब ये देखिए। और आपने इस तरीके से कॉर्नर से उठाना है, अभी थोड़ा सा इसको ड्राई होने दे। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, पिंक ब्लशर दे दो बेटा मुझे, ये पिंक मैंने लिया। अच्छा, ये पिंक बहुत खूबसूरत पिंक है, ये मर्जेंटा जामनी टाइप का है। हाँ। उसको मैंने लिया और ये डायरेक्ट नहीं लगाऊंगा, उसके साथ मैंने एक हल्का सा व्हाइट पाउडर मिक्स कर लिया, ओके। और उसके बाद स्माइल मुस्कुराओ, ऊपर देखो, और इसको ऐसे लगाएंगे। हाँ। तो एक बहुत रोजी पिंक चीक पे आ जाएगा कलर, मतलब अब आप
ब्लशन भी जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लगाए तो उससे भी बहुत डिफरेंस आता है. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा. ठीक है योग्य. वेरी नाइस. दूसरी आंख पे भी हम इसी तरीके से करेंगे. इतने टाइम पे वो जब तक लैश टूक रही है. हाँ. मैंने क्या किया, ब्राउन सॉकेट लाइन बना लिया. सिर्फ लाइनर को मैंने ये रखा हल्का सा. हाँ. और उसके बाद मैंने ब्लेंडिंग उसी जगह पे, बहुत ज्यादा नहीं, ये देखिए. क्योंकि आजकल बहुत काला, बहुत ज्यादा डार्क का कोई फैशन नहीं है. अच्छा अच्छा. समटाइम आपके ऊपर अच्छा भी लगता है. हाँ. बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं और आपके पास कितना मेकअप प्यारा लगेगा. ठीक है ये हो गया. उसके बाद हमने क्या किया, सॉकेट लाइन को ब्लेंड करेंगे दोबारा से. पूरी दुल्हन ट्रांसफॉर्म हो गई. मेरा दिल चाह रहा है थोड़ा सा बिफोर का एक झलक दिखा दूं. ये देखिए हल्का सा मैंने ये किया, उसको ब्लेंड किया. जरा एक बिफोर की झलक आप देख लें ताकि आपको थोड़ा सा मेकअप अभी हो रहा है लेकिन अंदाजा होता जाए कि इसकी शक्ल कितनी बदलने वाली है अभी कुछ ही मिनट्स में. तो दुल्हन की अपनी एक्साइटमेंट होती है लेकिन उस एक्साइटमेंट में पूरी जिंदगी का बेड़ा गर्क नहीं होना चाहिए. ओके. क्योंकि ये तस्वीरें. अब हम आईब्रो का ब्रश दोबारा से लेके आईब्रो मेक श्योर करेंगे. ये देखिए सिर्फ मैंने हल्का सा यहाँ कलर लगाया और ऊपर यहाँ पे, क्योंकि ऊपर आईब्रो की बहुत पतला किसी ने शेप कर दिया है. हाँ. तो मैंने सिर्फ ऊपर एक हल्का सा बैलेंस किया है आपने आईब्रो. और मैंने हल्का सा इसको, बहुत सारे लोगों को अपनी आईब्रो भी नहीं बनानी आ रही होती कि भाई रखनी कितनी मोटी है, कितनी डार्क, कितनी लाइट, कितनी सॉफ्ट, वो भी नहीं लोग आ रही होती. बिल्कुल ऐसा ही. और फिर उसमें गड़बड़ हो जाती है. तो आप कहते सिक्योर है कि आप शेड से ही आईब्रो बनाएं. हाँ, पेंसिल ज्यादा आसान है मुझे लगता है. अच्छा. आपने पेंसिल से एक लाइन खींच ली और उसके बाद एक राउंड ब्रश होता है और उसके साथ आपने यूं कर लिया तो बहुत बुशी बुशी सी आईब्रो बन जाती. अच्छा. है वो बहुत प्यारी लगती है. जो राउंड ब्रश जो ये आपके ये वाला स्कूली ये वाला ब्रश और उसके साथ इस तरीके से आपने कर लिया. हाँ. तो बुशी बुशी आईब्रो आ जाती है. ठीक है ये हो गया. अब आपने गोल्डन आई शेडो लिया हल्का सा और ये वाला आई शेडो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. तुमने मेरी आंखों पे लगाना है ब्रेक में. ठीक है. वाओ. ये लगा लिया. ठीक है उसके बाद हमने दोबारा अगेन मस्कारा. हाँ. किया हल्का सा लाइक दिस. हाँ. उसके बाद हमने अगेन आईलैशेस लगानी है. सो हमने आईलैश को इनर साइड से काट लेना है. थोड़ा सा ज्यादा, कोई नुकसान नहीं है कि आपने 2,500 की आईलैशेस खरीदी है, 3,000 की खरीदी है तो आप काटेंगे नहीं, वो खराब हो जाएगी, छोटी हो जाएगी. तो प्लीज काट के लगाएं, वो बहुत नेचुरल लगता है. हाँ. उसके बाद हमने क्या किया, गम को लगाया अच्छी तरीके से. अच्छा क्या करते हैं लोग गलती, ये लगाते ही साथ आंख के ऊपर चिपका देते हैं जिसकी वजह से आंख में से पानी आता है और वो चिपक नहीं पाती है. ओके. सो इसको आप थोड़ा सा 10-15 सेकंड के लिए इसको आप काउंट करने 1, 2, 3, 4 और इसको हवा में ऐसे करें. हाँ. ताकि अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए. जब ये ड्राई हो जाएगी तो ये अच्छे से स्टिक हो जाएगी. कोई वो बीच की चीज रहेगी, बिल्कुल भी ड्राई. हाँ, नहीं होगी. बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, बिल्कुल भी गीली नहीं होगी. बीच वाली चीज होगी, बिल्कुल ऐसे है. आपने इसको ये किया. हाँ. करते रहे करते रहे. उसके बाद आपने क्या किया, आंख खोल के लगवाए. हाँ. बंद करके लगाना कोई कमाल नहीं है लेकिन खुद तो आप खोल के नहीं लगा सकते ना. बिल्कुल खोल के लगा सकते हैं. हाँ. मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिस किया है. किया है? हाँ, क्योंकि जब मैं कोई चीज बोल रहा होता हूँ. हाँ. तो मैं अपने मेकअप रूम में, सैलॉन पे मेकअप रूम बंद करके अपनी आंख के ऊपर आराम से हर चीज प्रैक्टिस करता हूँ. तो मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिस किया है. आप लगा सकते हैं. सी ये हो गया. अगेन दूसरी साइड पे भी हम ब्लशर लगाएंगे. आपने सिखाया था वाजिद कि शीशा इस तरह नीचे रख के ऐसे करके, बिल्कुल ऐसे रख करके कर सकते हैं, है न? बिल्कुल ऐसे. ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइलाइटर लगाएंगे. हाइलाइटर एंगल में लगाएंगे. मेक श्योर करें. हाँ. कि आप एंगल में लगाएं ताकि आपका जो फेस है वो लिफ्टेड लगे. ओके. खिंचा हुआ लगे बहुत ज्यादा. हाँ. हाँ अगर आपको लगता है हल्का सा चीक पे लगाना है तो सिर्फ स्माइल करें हल्का सा और सिर्फ ये इतना. अच्छा जरा सा कि जब आप मुस्कुराएं तो हल्का सा सिर्फ ब्लिंक करें, बहुत ज्यादा नहीं. ओके. अगेन इस वाली साइड पर भी इसी तरीके से ये. अच्छा इनकी आंखें ड्रूपी हैं. हाँ. तो इनकी आंखों में हम काजल नहीं लगाएंगे. ठीक है. ठीक है. हाँ. ये हो गया. अच्छा अब हम क्या करेंगे, हल्का सा
ब्राउन शेडो और मरून को ऊपर देखोगे बेटा, थोड़ा सा सिर्फ नीचे इस तरीके से आप लगाएंगे तो वो एक बहुत दुल्हन दुल्हन वाली लुक आ जाएगी लाइक दिस। हल्का सा ऐड करेंगे कलर। हाँ। और लाइक दिस, ठीक है। अब आपको लगता है कि आंखों को थोड़ा सा, क्योंकि आंखें माशाल्लाह बहुत बड़ी है, खूबसूरत आंखें, अब हमें शेप देना है, तो हम लाइनर को एंड में सिर्फ पूरा होने के बाद हल्का सा हम सिर्फ इस तरीके से सीधा आंखों लाइक दिस, सही, बिल्कुल बारीक सी लाइन। हाँ। नीचे देखो बेटा, बस ये, बस ये हो गया। हाँ। उसके बाद क्योंकि नाक कैसे हम छोड़ सकते हैं। हाँ। सेंटर में हाइलाइटर करेंगे फोरहेड पे हल्का सा, और ये हल्का सा, ठीक है। ओके। क्योंकि कपड़े ब्राइट है तो हम लिपस्टिक हल्की करेंगे। हाँ। आ करेंगे। जरा दोबारा दिखाइए पुरानी वाली लुक दुल्हन की। ये देखिए, ये पुरानी लुक है और अब आप नई लुक देख सकते हैं जो कि अभी कंप्लीट भी नहीं हुई है, लेकिन आई मेकअप से ही कितना चेंज आ गया। यानी कि कपड़े आपके फिर जैसे भी हों, अगर मेकअप अच्छा है तो बहुत सारे क्लोज पिक्चर्स आपकी बड़ी अच्छी आ सकती है। और अगर आपके कपड़े कितने ही अच्छे हों और मेकअप अच्छा नहीं हो तो फिर बस संभाल के रखिएगा फिर आप अपनी पिक्चर्स सबको दिखाने के लिए। क्योंकि बहुत सारी दुल्हन है जब जिनको अवेयरनेस आ गई होगी और उनकी पुरानी शादियां हुई भी होंगी, उन्होंने अपनी शादी की तस्वीरें छुपा दी होंगी। बिल्कुल। कि भाई मुझे नहीं देखो, है ना, ऐसा होता है। इंसान वक्त के साथ साथ ग्रूम होता है। वाओ, बहुत ही आप प्यारी लग रही हैं। टीका। अच्छा, अब यही वो टीका है? हमने ज्वेलरी हमने चेंज कर दी है। अच्छा। हाँ, अच्छा, लाल ही है ज्वेलरी, लेकिन देख लें आप इसको कितना सटल वे में हमने, वो बहुत ज्यादा लाइट था, वो ब्राइट था, हमने ये रेड भी पहना है, लेकिन ये बहुत डल सा गोल्ड है। ठीक है, डल गोल्ड है। ठीक है, पहले ये टीका था, अब आप डिफरेंस देख सकते हैं। दिखाएं जरा। हाँ, दिखाओ, देखो क्लोज। ये टीका था और वो बहुत लाल लंबे थे, बहुत ज्यादा गोल्डन था, हमने गोल्डन को कम करके हमने ये डल वाला उठाया। ठीक है। हाँ, जब आप ज्वेलरी का सिलेक्शन भी कर रहे हो, ज्वेलरी का सिलेक्शन कर रहे हो तो उसमें ये इन चीजों का ख्याल रखा कर। ये देखिए, ये बिफोर है। ये हो गया। अब दुपट्टा जो है हमें सेट करना है। एक सेकंड। सो उठोगे दुपट्टा सेटिंग से भी आपका पूरा लुक चेंज हो सकता है। बेटर, बिल्कुल दुपट्टा सेटिंग से। अच्छा, मुझे लगता है इन्होंने यहाँ लगाया है, इधर जूलिया ये पिन निकालो बेटा, आके अंदर से जूलिया तुम निकालो, पता नहीं यहाँ से पिन लगाएगी। खुली 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 है उसमें। ओके, तो मुझे लगता है कि इस दुपट्टा चौड़ा चौड़े दुपट्टे की जगह मैं बहुत ज्यादा चौड़ा, ओह कितना अच्छा आईडिया है, इसको पतले को मैं ऐसे रखूं। ओह, मैं इस पतले दुपट्टे को मैं चेंज हो गई। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप बॉर्डर देखते हैं ना दुपट्टे का, तो ये देखें कितना चौड़ा बॉर्डर था। और मैं इसको इस तरीके से रखूं, और इस चौड़े बॉर्डर को दिखाना ही है भाई, तो उसमें दिखा दो। हाँ। आस्तीनों पे यहाँ पे लगा दे पे। और पर जो भी कपड़े बनवाए अपने शादी के उसको चौड़ा बॉर्डर नहीं बनाना। हाँ। चाहिए। मैंने अक्सर देखा है। हाँ। यहाँ के लिए चौड़ा बॉर्डर होता है, पतला बॉर्डर होना चाहिए बस। तो हमारा ये चौड़ा बॉर्डर, और हल्का सा हम आंखों के नीचे भी इसी तरीके से ऊपर देखिए इनर कॉर्नर पे हल्का सा हम। वाओ, सो ये हमारा। अच्छा, इसको कॉर्नर करें जरा, पिछली वाली मैं चाह रही हूँ कि अगर आप बराबर बराबर दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, बिफोर एंड आफ्टर दिखाएं। आफ्टर आंखें थोड़ी खोलो और कैमरे में देखो जरा, आप क्लोज जाएं कैमरामैन। बैक, पीछे से हटना जरा, क्लोज जाएं आंखें उस कैमरे में देखो। fine. तो आप देख सकती हैं कि मेकअप से प्यारी शक्ल है तो वो इन्हांस हुई है, बजाय इसके कि वो
हाँ, और पहली वाली भी जरा जूम करके दिखाएं तो आप जरा देखें, क्लियर होगा, वही शक्ल है। लिपस्टिक का आप लुक देख लें क्या है, आंखों की लुक देख लें क्या है, और ये देखिए। सो बुक योर स्लॉट वाजिद खान सैलून पे, 30% ऑफ चल रहा है ब्राइडल मेकअप के ऊपर एंड इवनिंग मेकअप पे भी, जितने भी पार्टी मेकअप हैं और ब्राइडल पे 30% ऑफ है। दिसंबर जनवरी भी आप अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिसंबर में 10 जनवरी तक मैं पाकिस्तान में हूँ, 10 के बाद में। हाँ, मैं नहीं हूँ तो अफशा है मेरी बहन, जूलिया होती है, ये सारे ब्राइडल कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल आपको 30% ऑफ है। सब एक जैसा करते हैं क्योंकि अक्सर औकात में ट्रैवल कर रहा होता हूँ, तो अफशा जो मेरी बहन है वो हैंडल कर रही है। बिल्कुल,